नमस्कार, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है घातांक एवं करणी से रिलेटेड। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि कभी भी अगर आपका 2 की पावर 3 है, मान लीजिए 2 की पावर 4 है, बेस सेम है, अगर बेस क्या है सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस अगर क्या है सेम है, इफ द बेस इज इक्वल, बेस इज सेम, देन ऐड पावर। तो आप पावर को क्या कर सकते हैं, पावर मतलब घातांक, जो इसकी पावर है वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का बेस क्या है सेम है, 2-2 है, तो इसकी पावर जोड़ के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो ये वाली बात होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बेस पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पावर 2 होती तो ठीक है मैं इसका स्क्वायर कर देता, 3 होती तो मैं क्यूब कर देता, लेकिन ये पावर है 0.16, ये है 16। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपने जब ये सॉल्व करेंगे तो ये देखना है कि कहीं ना कहीं शायद ये जो चीज़ है ये बनेगी, ये वाली बनेगी, क्योंकि बड़ी चीज़ ही हमेशा क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो 256 है, तो आपको पता है कि 256 मतलब 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 16 द पावर 0.18। क्लियर है बात। चलो अब देखो, इस 2 को मैं इससे क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे पता है 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 × 32 प्लस ये हो गया, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 16 द पावर 0.18। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि 0.32 में मैं 0.18 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे पता है 8 और 2 10, 3 4 और 1 5, 0.50। यानी कि 16 द पावर 0.50 मतलब 0.5 कितना होता है, अगर आपको पता हो 0.5 जो होता है, कैसे ले सकता हूँ 0.5 को, 5/10 यानी कि 1/2, तो कितना होता है 0.5 आपका 1/2, यानी कि 16 द पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है, √16, और √16 कितना होता है, तो आप कहेंगे 4। √16 कितना होता है आपका, 4। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।